पहला समझौता है आपको कि जो प्रबंधन है वो जितना भी श्रम अधिनियम होता है जिसके दायरे में आप लोग आते हैं उस सब का अनुपालन सुनिश्चित करना। समझ ले बात को, श्रम अधिनियम में बहुत सारा बात है जिसमें आपके कार्य विधि के निर्धारण से लेकर आपके छुट्टी से लेकर के आपके वेतन से लेकर सारा बात, तो सारा चीज का अनुपालन जो है वो पहला बात। कितने तारीख से लागू होगा? ऐसे ही समझौता आज हो जाएगा ही लागू हो जाएगा। ठीक, समझ गए बात जी। दूसरा, दिनांक 6/2/19 को राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार पटना के सभागार में यूनियन के प्रतिनिधिगण एवं प्रबंधन के बीच हुए द्विपक्षीय समझौता का दोनों पक्ष अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। इसके पहले भी आप लोग का समझौता हुआ है द्विपक्षीय, है ना जी, 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 जी। उसका अनुपालन दोनों पक्ष, आप भी जो आपके लिए बाध्यकारी था वो और इनकर इन पर जो बाध्यकारी था, दोनों आदमी उसका पालन अक्षरशः सुनिश्चित करेंगे। जो बातें उसमें लिखी गई है उसका पालन करेंगे। किसी भी विषय पर यूनियन के साथ मतभेदता की स्थिति में, मतलब तो मत नहीं मिला, मन नहीं मिला, तो प्रबंधन जो है सेवा प्रदाता ये जो है वो अपने मुख्य नियोजक, आपका मुख्य नियोजक कौन है, राज्य स्वास्थ्य समिति के समक्ष मामले को समाधान हेतु रखेगा। समाधान नहीं होने की स्थिति में एम्बुलेंस सेवा, आवश्यक सेवा को दृष्टि में रखते हुए उच्च स्तरीय द्विपक्षीय वार्ता पर सहमति, क्योंकि इनका भी आप जानते हैं कि लिमिटेशन है, बहुत बात ही नहीं कर सकते हैं, समझ रहे बात को, आप ही के बीच से भी है, समझ गए। तो अगर कुछ ऐसा बात हुआ जो जिसमें सहमति नहीं बनी तो जो हाईएस्ट लेवल है सबसे ऊंचा वहां पर इस विषय सबको रखा जाए, ऐसे टाइम पास नहीं किया जाएगा। आप लोग ऐसे बात बात पर हड़ताल नहीं कीजिएगा, हड़ताल कीजिएगा सबका डर डाउन हो जाएगा, सबका नुकसान है, राज्य का नुकसान है, आप लोगों का नुकसान है, बात बात पर इस तरह से हड़ताल करना कोई अच्छी बात नहीं है। चौथा है, हड़ताल के द्वारा निलंबित कर्मियों का निलंबन तत्काल प्रभाव से वापस देने की सहमति है। जो भी लोग निलंबित हुए होंगे सबका निलंबन जो है वापस हो जाएगा। समझौता अनुसार श्री दयानंद प्रसाद का भी निलंबन अन्य कर्मियों की तरह वापस लिया जाएगा, साथ ही इस आशय का कार्यालय आदेश तुरंत निर्गत कर दिया जाएगा। हड़ताल के चलते कर्मियों के विरुद्ध कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी, यही समझौता होगा। कहा गया निरंजन को बुला।